हॉर्सट्रेडिंग की खबरों के बीच बीजेपी विधायक संजय पाठक ने अपनी जान को खतरा बताया है। संजय पाठक के बारे में इस तरह की खबरें आई थी कि गुरुवार की रात चुपचाप उन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ से बातचीत की। इसके बाद संजय पाठक ने इन खबरों को गलत बताया और कहा कि मैं कल रात किसी व्यक्ति विशेष से नहीं मिला। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री संजय पाठक ने कांग्रेस के नेताओं, खासकर गुरुवार की रात मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलने की अटकलों का खंडन किया है। उन्होंने कहा उनको लेकर मीडिया में भ्रामक खबरें चल रही हैं। मध्य प्रदेश में चल रहे सियासी घमासान के बीच भाजपा विधायक संजय पाठक ने कहा कि मैं भाजपा में था, भाजपा में हूँ, भाजपा में रहूंगा, सियासी कारणों से मेरी जान को खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा राजनीतिक लाभ के लिए मेरी हत्या भी करा सकते हैं। मीडिया के साथियों, मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ कि कृपया करके मेरे विषय में जो कल से भ्रामक समाचार आप लोग फैला रहे हैं उसको फैलाना बंद कर दें, गलत मत दिखाएं। आपके ऊपर जनता विश्वास करती है, भारत के आप चौथे स्तंभ हैं, आप जो दिखाते हैं लोग उसके भ्रम में पड़ जाते हैं। आप कल से लगातार दिखा रहे हैं कि मैं किसी वरिष्ठ नेता के यहाँ, मध्य प्रदेश के किसी दिग्गज के यहाँ उनके बंगले में मिलने गया, ये पूर्णतः असत्य पर आधारित है। और जो वीडियो क्लिपिंग आप दिखा रहे हैं कि सर छुपा के जो निकल रहे हैं संजय पाठक है, तो आपसे आग्रह कर रहा हूँ भाई साहब, आप सभी लोग मीडिया के सभी साथी मेरे मित्र हैं, पिछले 2500 साल से मेरे साथ उठना बैठना खाना पीना साथ में रहा हमारा आपका, आप तो मेरे शरीर के हर अंग को पहचानते हैं। कल जो आप क्लिपिंग दिखा रहे हैं कि सर छुपा के संजय पाठक निकला है, और जो क्लिपिंग दिखा रहे हैं उसमें कलम नहीं है क्या? मैंने रात भर में कलम बढ़ा ली? पता नहीं किसकी फोटो दिखा के आप जनता को भ्रमित कर रहे हैं। मैं आग्रह कर रहा हूँ, मैं कल किसी व्यक्ति विशेष से नहीं मिला, मेरा साला भर्ती है, मैं उसको हैदराबाद में उसका मेजर ऑपरेशन होना है और मैं उसके जीवन मरण के संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, मैं उसमें अपने पारिवारिक परिस्थितियों में परेशानियों में फंसा हुआ हूँ। कृपया कर से आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि किसी प्रकार का भ्रम ना फैलाएं, मैं किसी से नहीं मिला, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, भारतीय जनता पार्टी में था, भारतीय जनता पार्टी में ही रहूँगा। अब मेरे साथ जो हो रहा है पूरे प्रदेश की जनता देख रही है, कम से कम मेरी हत्या ना हो जाए, बस इतना ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि राजनीतिक लाभ फायदे के लिए ये लोग मेरे को कहीं मार के भी फेंक सकते हैं, तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप कृपया कर भ्रम ना फैलाएं। मैं ना किसी से मिला, ना कहीं गया, मैं भारतीय जनता पार्टी में था, भारतीय जनता पार्टी में हूँ, भारतीय जनता पार्टी में रहूँगा और आने वाला समय सब बहुत अच्छा होगा। आप सबको एक बार फिर से निवेदन है, कृपया करके किसी प्रकार का भ्रम अगर आप लोग के दिमाग में है तो उसको निकाल फेंकिए। धन्यवाद। गुरुवार की रात मुख्यमंत्री निवास पर कई विधायक और मंत्री मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिले। मध्य प्रदेश में उठे सियासी तूफान से कमलनाथ इस समय संकट में हैं। कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह डंग के इस्तीफे के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। ऐसे में कमलनाथ बीजेपी के विधायकों को अपने पक्ष में कर उनके इस्तीफे करवाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। ऐसे में खबर आई है कि बीजेपी विधायक संजय पाठक भी मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे। उसके बाद सीएम हाउस से निकलते हुए एक संजय पाठक जैसा व्यक्ति कैमरे में कैद हुआ। सच जो भी हो सामने आ ही जाएगा। फिलहाल तो संजय पाठक को सफाई देना पड़ रही है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।